राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर क्रू बुकिंग लॉबी द्वारा हुआ सुंदरकांड और भव्य भंडारे का आयोजन। ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार के अवसर पर ये डीजल लॉबी लखनऊ रनिंग स्टाफ की ओर से ये प्रायोजन किया गया है, जिसमें समस्त पैसेंजर्स, यात्री और भी जो लोग हैं सबके उनके गर्मी के मौसम में ये शरबत और प्रसाद का प्रायोजन किया गया है, जिसमें सभी के लिए आप सब आमंत्रित हैं। कितने वर्षों से आयोजन चल रहा है? ये 5-6 वर्षों से चल रहा है। तो आप लोगों की पूरी लॉबी ये मिलकर कार्यक्रम? हाँ, पूरी सभी के सहयोग से होता है। ये संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, और भी लोग भी इसके ऊपर है, जिसमें यात्रियों को, गरीबों को कुछ ना कुछ गर्मी के मौसम में ये पानी भी मिलता रहे, शरबत भी मिलता रहे, खाना भी होता रहे। बहुत ही शुभ दिन है ज्येष्ठ मंगलवार का जो है, इसमें बजरंग बली का जो है, और यहाँ सब भंडारे 5-6 वर्षों से लगातार हो रहे हैं, जिसमें आने जाने यात्रियों, जो भी हमारे इसमें जो भी हमारे आगंतुक हैं सबका जो है, और भी जो है जितने भी गरीब लोग हैं वो जो है, प्रसाद कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और ऐसे ही जो है आगे भी चलता रहेगा जो है। हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम जो है बड़े मंगल कार्यक्रम होता है, रनिंग परिवार, लोको रनिंग परिवार, लोको पायलट, लोको गार्ड की तरफ से हर साल हम लोग जेठ के महीने में तीसरे मंगल या चौथे मंगल में करते हैं। और ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग के माध्यम से गरीब किसी के थोड़ा दान का काम किया जाए, भगवान के नाम पर इसी तरह भगवान का नाम लिया जाए, कुछ गरीब को कल्याण किया जाए, और हम लोग ये कार्यक्रम इस लगातार कंटिन्यू करते भी हैं। राजधानी लखनऊ के लेनिन केयर सेंटर चारबाग द्वारा हुआ भंडारे का आयोजन। उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये इधर इधर जितना पूर्वांचल में चलेंगे उतना ही इसका जितना ज़्यादा ज़्यादा जो है संख्या बढ़ती जा रही है। और इस साल ये भंडारे का आयोजन तीन चार साल से तो लगातार यहाँ पे हो रहा है, और भी हमारे वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ पे भी लगातार 7-8 साल से होता चला रहा है। सर, इस भंडारे के माध्यम से क्या संदेश? भंडारे के माध्यम से तो हम लोग जैसे बजरंग बली के उससे पूरा देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, उसके माध्यम से ही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे धर्म में है सब लोग एकजुट होकर रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं, यही सब लोग प्रार्थना करते हैं, यही भगवान से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। राजधानी लखनऊ के ताज होटल के सभी स्टाफ कर्मचारियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। कितने साल से करा रहे हैं भंडारा आप? ये हम लोग बहुत सालों से हो रहा है, करीब 10 साल से ऊपर ही हो गया। किसी विशेष उद्देश्य से भंडारे की शुरुआत हुई है? देख देख के हम लोगों ने जो है यहाँ पे शुरुआत की है, ठीक है, कि लखनऊ में ऐसा होता है, इनकी मान्यता है हनुमान जी की, ठीक है, और सभी लोगों के सहयोग से आपका पूरा सहयोग से जो है इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ही भंडारा। तो ये आखिरी मंगलवार को लगाया जाता है भंडारा? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, किसी भी मंगलवार, तीसरे या चौथे मंगलवार, तीसरे या चौथे। जी जी, तो अपनी तरह। हाँ जी, ममता जी क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, देने में, बजरंग बली का नाम लेने में। तो अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश श्री राम जी हम पूजा किया करें, उनका भक्त बने। हम लोगों को संदेश यही है, मतलब कि सुंदर कांड करें, अपने धर्म के प्रति जुड़ें, जागृत करें, आने वाले समय में जो है हमारी नई पीढ़ी और इसको आगे की तरफ ले जाए, ठीक है, भावनाओं से जुड़ा रहें, इस तरीके से हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे जो है क्रम को चलाते रहें, यही हम लोगों की परंपरा बनी रहे। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।